जी आपको बता दूं कि चुनावी माहौल आगरा में बिल्कुल शांतिप्रिय रहा, कोई अप्रिय घटना की कहीं कोई सूचना नहीं है। टोटल अगर वोटिंग की बात करें तो आगरा में टोटल जिला में जो है 50.19% जो है हुआ है, और नगर निगम की अगर बात करें जी 30.45% जो है टोटल वोटिंग हुई है। जी जी कितने प्रतिशत चुनाव में जो मतदान है वो आगरा में पड़ा है? आगरा अगर जिले की बात करें टोटल जिले की, तो जिले में टोटल 50.19% जो है टोटल वोटिंग पड़ी है। अगर हम नगर निगम की केवल बात करें सिटी की, तो 34.45% टोटल मतदान हुआ है। ब्रजेश, वहीं आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो चुका है, उनका जो भाग्य है वो पेटी में बंद हो चुका है, तो क्या संभावनाएं नजर आ रही है? जी बिल्कुल बताऊं कि आज जो है जितने भी जो पार्षद प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनका भाग्य जो है मत पेटकाओं में कैद हो चुका है, और 13 तारीख को जो है मतदान ओपन होगा, उस दिन सभी के भाग्यों का जो है फैसला हो जाएगा, फैसला होगा। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आगरा में वोटिंग हो चुकी है, पहले चरण के निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब इन कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला 13 मई को होगा। आपको बता दें लखनऊ सहित आज 37 जिलों में वोटिंग हुई है, यूपी के प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव आज संपन्न हो गए हैं, जहां पर काफी सारे मतदाताओं ने मतदान किया। पहले चरण का ये मतदान है, वहीं उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो 13 मई को घोषित होगा। काफी समय से यूपी में इन नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही थी और आज आखिर में वो मतदान संपन्न हो चुके हैं, पहले चरण के नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। वहीं यूपी में हुए मतदान की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नेमिश शुक्ला सीधे सीतापुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नेमिश, कैसा रहा सीतापुर में आज के चुनावों का माहौल, क्या उत्साह था लोगों में? आपको बता दें कि चुनाव मतदान को लेकर के लोगों में खासा उत्साह था। नगर पालिका के विकास कार्यों को लेकर के 11 नगर पालिका है उनमें चुनाव हो रहा था, लेकिन कहीं कहीं ऐसा दिखा कि बीएलओ के द्वारा पर्ची जो है समय से नहीं पहुंचाएंगे, कि जबकि जिला प्रशासन द्वारा उनको जो है हिदायत दी गई थी कि जो है मतदान के एक दिन पहले पर्ची पहुंचा दिया जाए, उससे खासा बवाल हुआ। लोगों ने जो है वोट डालने के लिए सुबह 7 बजे से आ गए, लेकिन उनको पर्चियां न होने से 10 बजे तक भूखे प्यासे मतदान केंद्र पर पड़े रहे, और ये खासा जो है मामला यहाँ पर जो है मोहली में देखने को मिला बूथ नंबर 12 पे। और सीतापुर में लगभग मतदान जो है शांतिपूर्ण ढंग से निपटा, और उसके अलावा जनता लगातार उत्साह के साथ अपनी वोटें डालती रही, और जिला प्रशासन द्वारा इतनी चाक चौबंद व्यवस्था थी कि कहीं से कोई अप्रिय घटना होने की संभावना जो है न थी और न हुई। शाम 6 बजे तक मतदान हुआ और मतदान का परसेंटेज लमसम जो है 58% मतदान हुआ सीतापुर में। नेमिश, आपने कहा कि पर्चियां समय से नहीं पहुंची थी, इसके लिए वोटर्स को काफी वेट भी करना पड़ा, और वहीं सीतापुर में जो 58% मतदान हुआ, क्या पर्ची नहीं पहुंचने से इस मतदान पर कोई असर पड़ा, इस मतदान के प्रतिशत पर? अगर पर्ची समय पर पहुंच जाती तो कहीं 58% से ऊपर भी पहुंच सकता था। बिल्कुल जो है 58% से ऊपर भी पहुंच सकता था, लेकिन जो है लोगों को खासा जो है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो है जमीन पर बैठ करके लोगों को निराशा हाथ लगी, हताशा हाथ लगी, और वो लोग भूखे प्यासे बैठे रहे, उनके लिए पानी तक की व्यवस्था प्रशासन ने नहीं करवाई, और वो जमीन पर बैठ करके जो है इंतजार करते रहे पर्चियों का, और कम से कम 100 लोगों का लमसम जो है हुजूम था, और वो 244 लागू होने के बावजूद भी जिला प्रशासन जो है वहां पर जो है नाकाम दिखा, और मोहली में तो क्रिटिकल बूथ होने के बावजूद भी वहां पर पुलिस की जो है काफी काफी कुछ जो है मतलब जो है लापरवाही सामने आई। देखिए, अगर ये पर्ची वाली घटना नहीं हुई होती तो शायद ललित सीतापुर में और ज्यादा मतदान हो सकता था। और बहुत बहुत धन्यवाद नेमिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ शैलेश जैन हमारे साथ ललितपुर से सीधा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, कैसा रहा ललितपुर का चुनावी माहौल, क्या उत्साह दिखा लोगों में? जी आकांक्षा, मैं आज भी आपको बता दूं, नगर ललितपुर में एक नगर पालिका और तीन नगर पंचायत चुनाव पे वोटिंग होनी थी जी, जहां मतदान अभी शांतिपूर्ण रहा। तो शाम 5 बजे तक की अगर बात करते हैं तो नगर पालिका ललितपुर में 52.75% रहा, तो वहीं तालवे नगर पंचायत में 70% वोटिंग रही, और मेहरौनी की बात करें तो यहाँ 64.11% मतदान रहा। तो पाली में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ, जहाँ 76.49% मतदान रहा। जनपद टोटल की बात करें मतदान की, तो यहाँ 56.75% मतदान ये शाम 5 बजे तक का है जी। शैलेश, अब जब प्रथम जी अब जब प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत का फैसला भी पेटी में बंद हो चुका है, तो ऐसे में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? जी यहाँ मतदान करने आए जो वोटरों की बात करते हैं तो वहाँ उसमें उन्होंने बहुत उत्साह नजर आया, चाहे युवा पीढ़ी हो या वृद्ध लोग हों। वृद्ध लोग भी अपने सहयोगियों के साथ व्हील चेयर पे या उनके सहयोग से वोट डालने आए, उनमें बहुत उत्साह दिखा। उनसे बात करने पर पता चला कि वो सभी लोग यही बात कर रहे थे, हमको विकास के साथ चलना है, विकास के साथ चलना है, जो विकास करेगा उसके साथ जाना है। तो यहाँ बहुत जोश नजर आया मतदाताओं में, और यहाँ जो परीक्षक हैं उनकी निगरानी में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। डीएम एसपी समय समय पर कंपिंग करते रहे, जहाँ पुलिस मुद्दत रही और शांतिपूर्ण मतदान यहाँ सम्पन्न हुआ। यानी कि अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं को विकास के साथ जाना है, विकास का जो रुझान है वो है उनकी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें यूपी निकाय चुनाव जो है उनका पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। शाम 5 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो कुछ इस तरह से रहा, लखनऊ में 48%, वाराणसी में 39% और गाजीपुर में 58%, गोरखपुर में 57%, तो वहीं फिरोजाबाद में 50% तक मतदान हुआ। यूपी के नगर निकाय के प्रथम चरण के आज चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनका फैसला 13 मई को आएगा।